I've fallen in love with I Love. I love you. Del bole, wow. नमस्कार। इलेक्शन के कुछ ताजा समाचार। उदयपुर की दत्ता बाबू अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विशंबर प्रसाद से 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दो हजार 300 और 905, टोटल 3205। सर, 3205 वोटों से जीत रहे दत्ता बाबू। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये सब गलत है, फिर से काउंटिंग करवाइए। अरे आप कितनी बार काउंटिंग कराएंगे? आपको क्या पता कि क्या बात कर रहे हैं आप? लोग क्या कर रहे हैं? देखिए प्लीज, आप मेरी बात को प्लीज देखिए, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए और बैठ जाइए। मुझसे जीतेंगे, प्लीज बैठ जाइए। मुझसे जीतेंगे। एक्सक्यूज मी सर, दिल्ली से आपके लिए ट्रंक कॉल है। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, मजाक है क्या? कमा चला हंस की चाल। ये मुझसे जीतेंगे, मुझसे। अरे आप खामखा बकवास क्यों कर रहे हैं? अरे आप बकवास बंद कीजिए। आप हैं कौन? कौन होते हैं आप? इससे क्या मालूम है? अरे आप कहाँ बोल रहे हैं? अरे कहाँ बोल रहे हैं? नहीं जाते आप? अरे खामोश हो जाइए। कुछ आप कौन हैं? अरे आपकी हैसियत क्या है? अरे समझते क्या आप? खामखा लीडरी जता रहे हैं। यहाँ लीडरी का सवाल नहीं, यहाँ इंसाफ का सवाल है। और आप, अरे वो बलट पे लेके जा रहे हैं। अरे वो बैलेट पेपर, ये आपने क्या हंगामा मचा के रखा हुआ है? ये गुंडागर्दी के साथ जीतना चाहते हैं साहब। सुनिए, गुंडागर्दी है ये, गुंडागर्दी। लोग शांत हो जाए, काउंटिंग दोबारा करवा देते हैं। अरे क्या काउंटिंग करेंगे साहब, वो बैलेट पेपर लेके तो चलेगा। अरे क्या इल्जाम? आप शांत रहेंगे? कलेक्टर आप है कि मैं हूँ? आप सब मिले हुए हैं साहब, और आप लोगों की वजह से इस मुल्क का कबाड़ा हो रहा है। लीजिए, सुन लीजिए, अब हार रहे जो कह रहे हैं, हम सब लोग मिले हुए हैं। सुन लीजिए, आप सब मिले हुए हैं। मैं कहता हूँ आप सब मिले हुए हैं। Mind your language. I am collector and I know my job very well. Understand? Yes, yes, yes. चुनाव परिणाम। उदयपुर विधानसभा के चुनाव में श्री विशंबर प्रसाद 2153 वोटों से चुनाव जीत गए हैं। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। बहन जी, पूरे 90 रुपए हुए भाई। आप जैसे दो भाड़े मिल जाएं तो सारा दिन रिक्शा चलाने की जरूरत ही नहीं। अरे भाई, मेरे पैर ही ऐसे शुभ हैं, आज दिन भर तेरा कल्याण हो जाएगा, जा। अरे मिम साहब, क्या है? पैसे तो देते जाइए। पैसे? काहे के पैसे? भाड़े के। जानता है ये किसका घर है? किसका? ये इंस्पेक्टर रंजीत का घर है, और मैं रंजीत की माँ हूँ। माँ, इंस्पेक्टर की माँ से पैसे मांगते हुए तुझे शर्म नहीं आती? क्यों ऐसी छोटी छोटी जलील हरकतें करके अपने ईमानदार बेटे का नाम शहर में बदनाम करती हो? ए? कितने पैसे हो भैया? ये लो। अरे वाह वाह वाह, सारी जिंदगी मिलिट्री में गोली चला चला कर लगता है तुम्हारा दिमाग भी खाली हो गया है। 100 रुपए तो कमा नहीं सकते, 90 रुपए कहाँ से दोगे? चलो अंदर, चलो। चलते हो कि नहीं? आए बड़े पैसे दे। ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये लो अपने मीटर के पैसे। शुक्रिया। ये गवर्नमेंट जरूर चलेगी, आप जैसे ऑफिसर होंगे तो गवर्नमेंट जरूर चलेगी। फेरे 3 पूरे हो गए, 7 पूरे हो जाएंगे तो हाथ भी पकड़ लूंगा। तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। सपने? सपने वो देखते हैं जो सपनों के सौदागर होते हैं। हम वो सौदागर हैं जिस चीज को पसंद करते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, प्यार से या खींच के।
सिंह, इंस्पेक्टर रंजीत सिंह। ये क्या हो रहा है? फेर है, तीन पूरे हो गए और चार बाकी है ना, वो पुलिस स्टेशन में हो जाएंगे। चल साले। रंजीत क्या बात है? मैं दो मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता, बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ बोलो क्या बात है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? भैया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रा से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। सात फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you. खुश रहो। मनगढ़ंत कहानी है, विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे, उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। ये बात इनको एक आंख न भाई, और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मारा ला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया होता। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी, क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ, शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। That's all your honor. तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय।
हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूं। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फोर्स का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है। चलो हटो हटो, चलो जाओ। सब ठीक है? अपनी पोजीशन बहुत खराब है, शारदा देवी के पक्ष में सारे वोट जा रहे हैं। ए, पेटियां लेके आओ। अच्छा सुनो भाइयों, आप लोग अपने अपने घर जाओ, आपका वोट डाल दिया जाएगा। वोट तो दिया ही नहीं, जाए कैसे हम लोग? अरे वोट हम डालेंगे, चले यहाँ से। चलो जी, चलो 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 चलो। लारे, घर में सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, आपकी मेहरबानी। समझदार आदमी हूँ, बंगले पे आ जाना। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं। जाइए, शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? ए, बाप तक। अरे चलना। अरे सर, ये मैं बताता हूँ सर, शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही है। ये झूठ बोल रहा है सर, बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है पूछे सर? कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए। तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहां गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूं। आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर, ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। मैं हाईकमान से कहकर तुम्हें सस्पेंड करा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूं। नमस्कार, आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाय इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं,
कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद और औरत जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो। झांसी की रानी बनकर मरोगे तो झांसी की रानी बनकर।